नौरादेही अभ्यारण्य क्षेत्र के ग्राम तिंदनी से विस्थापित हुए सैकड़ों लोग शासन की योजनाओं का लाभ न मिल पाने से नाराज ग्रामीणों ने देवरी एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवरी विकासखंड की ग्राम पंचायत इमझिरा में विगत 4 वर्षों से निवास कर रहे तंदनी ग्राम के विस्थापित हुए ग्रामीण को शासन की योजना के अनुसार मिलने वाला 1 रुपए किलो का अनाज नहीं मिल पा रहा, जिसकी मांग को लेकर विस्थापित दर्जनों ग्रामीण जन मंगलवार को ट्रैक्टर ट्रॉली में भर कर आए और एसडीएम कार्यालय के बाहर ढोल बाजे बजा कर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया एवं राशन पात्रता पर्ची बनवाने एवं बनी हुई राशन पर्ची पर राशन उपलब्ध कराने की मांग कराते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि विस्थापन के पहले ग्राम सर्रा तहसील तेंदुखेड़ा जिला दमोह में राशन मिलता था, जो यहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर पड़ता है और सभी को नौरादेही अभ्यारण्य से होकर गुजर कर जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि जितना राशन वहां मिलता है उससे ज्यादा आने जाने में खर्च हो जाता है, जिसको लेकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ग्राम पंचायत में विगत 4 वर्षों से निवास करने के बावजूद शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या है मुख्य समस्या? मुख्य समस्या ये है कि हमारी पंचायत में 70-80 परिवार रह रहे हैं, उनके लिए राशन पर्ची वहाँ की है लेकिन वहाँ पर्ची कट भी गई, उसके बाद यहाँ पर्ची जनरेट हो गई कि उसके बाद भी राशन नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को बेचारे को। कितने लोग हैं? 70-80 लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम मोहन है। कौन से गाँव से है? हम तिंदनी पंचायत। जो ज्ञापन दिया है आप लोगों ने, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या जा है सर के, जिस दिन से आए हैं राशन पानी नहीं मिले हम लोग। पहले कहाँ मिलता था? पहले उधर ही मिलता था, फिर दौड़ते थे। कहाँ से आया विस्थापन होकर? तिंदनी पंचायत। कितने दिन पढ़ते थे सर? बॉय और 17। राशन पर्ची बन गई आपकी? बन गई है, मनो कुछ बने हैं जी मिलक। जो देवरी सब डिविजन में आता है उसके स्थानीय जनों ने आज ज्ञापन दिया कि इनको खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है, संबंध में जांच करवाई जाएगी, वास्तविक स्थिति का ये लिया जाएगा कि क्या स्थिति है, क्यों नहीं मिल पा रहा है, यदि नहीं मिल पा रहा है तो क्या कारण है, यदि मिल सकता है तो फिर उस संबंध में आगे कार्रवाई।